ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश, रिश्तों की कदर हमें पैसों की तरह करनी चाहिए। दोनों को गंवाना बहुत आसान होता है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ रिश्ते वक्त के अनुसार जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। लेकिन दिल से जुड़े रिश्तों के कोई गवाह नहीं होते, लेकिन कागजी रिश्तों के पक्के गवाह होते हैं। और जो रिश्ते इस समाज ने, इस दुनिया ने बनाए हैं, उन्हें हमें हर हाल में निभाना पड़ता है। लेकिन जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, सम्मान नहीं, मर्यादा नहीं, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। रिश्ते विश्वास की डोर पर ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्ते हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि हम सही और गलत को नहीं जान पाते। कभी कभी ऐसे सवाल हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए जाते हैं जिनका हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है। क्योंकि गलत साबित करने के लिए तो दुनिया है आपको, लेकिन वक्त तो सही साबित करने में लगता है। मुश्किल तो खुद को सही साबित करना है। अगर आप मौन हैं, सब कुछ सहते हैं, तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। लेकिन जो इंसान खामोश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। ये उसके संस्कार हैं, ये उसकी मर्यादा है कि वो मौन है और सब कुछ सहन कर रहा है। क्योंकि जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है, लेकिन उसके संस्कार ऐसे नहीं हैं कि वो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर दे। जैसे अपशब्द, कोई उससे कहे, उसे उसी भाषा में बात करे। क्योंकि संस्कारी इंसान हमेशा सब कुछ सहन कर लेता है। और जब आप बिल्कुल सही हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, तो हमें उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वक्त सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को निभाने के लिए गूंगा और बहरा बनना पड़ता है, तभी हम अपने रिश्तों को संभाल पाते हैं। अक्सर हमारे रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। इस कारण हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। हर रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ आपकी कदर ना हो, उसे निभाना भी नहीं चाहिए। जो हमारे पास है, हम उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन उसकी अहमियत का हमें तब पता चलता है जब वो हमसे दूर हो जाता है। किसी भी वस्तु की अहमियत और कदर का हमें तब पता चलता है जब वो हमारे पास नहीं होती। बीते कल की चाहत रखना आपको जीवन में हमेशा दुख देगा। जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो भी किसी से कम नहीं है। जो ईश्वर ने आपको दिया है, उसे संभाल लें। अगर वक्त हाथ से चला गया, तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर के फैसलों में कभी संदेह ना करें। जो भी होता है, आपकी भलाई के लिए होता है। क्योंकि उससे ज़्यादा किसी को हमारी चिंता और फिक्र नहीं हो सकती, जितना कि मालिक हमारे लिए चिंता करते हैं। क्योंकि वो हमारी चिंता हमसे भी ज़्यादा करते हैं। वो हर हाल में आपको खुश देखना चाहते हैं। तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त कभी ठहरता नहीं है। आज बुरा वक्त है, तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा। अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखो, उनका नाम जपते रहो, उनका ध्यान करते रहो। ये मुश्किल समय कब बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव।